फाखर गजनवी की गजल है, गो जरा सी बात पे बरसों के यार आने गए। बहुत लाजवाब गजल है और फरीदा खान ने जिस तरह गाया उसको और भी लाजवाब कर दिया। उसका एक शेर है कि मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। तो ये शोहरत क्या है और इसकी नौइयत क्या है? कहा यह जाता है कि शोहरत जो है एक देवी, वो आपको राज सिंहासन पे बिठा देती है और फिर वही देवी जो है डायन का रूख इख्तियार करके आपको नीचे पटक देती है। और शोहरत एक ऐसा सफ़ेद कंवल है जो जौहर में खिलता है और जब वो खिलता है तो उसकी महक चार दांग आलम में फैल जाती है, पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाती। लेकिन वही कंवल जब मुरझाता है तो उसमें से एक बिसांद उठने लगती है। तो आखिर ये शोहरत क्या बला है? अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आप सबको कारवान सराय में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब मुसाफिरों को, वो कहते हैं ना कि चंदा रे चंदा कभी तो ज़मीन पे आओ, बैठेंगे बातें करेंगे। तो इसी तरह आप भी आइए, बैठेंगे बातें करेंगे और शोहरत की बातें करेंगे। शोहरत के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कीकर की तेज़ शराब है जो यकदम दिमाग को चढ़ जाती है, साथ में आसमान पे आदमी पहुंच जाता है और वो समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। और फिर जिस तेज़ी से वो नशा बढ़ता है उसी तेज़ी से नीचे आता है और उस आदमी को बेकार करके रख देता है। शोहरत एक अथरी घोड़ी है, अथरी मतलब मुँह जोर है, काबू में ना आने वाली। उसके ऊपर जब सवारी करते हैं तो सवार जो है ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता, उस घोड़ी ने आपको पटक देना है बिलाखर। अमेरिका में आप जानते हैं कि भाई जो वाइल्ड वेस्ट है वहाँ पे काउबॉय का एक खेल होता है जिसमें एक काउबॉय जो है वो एक बैल पे सवार होता है और कोशिश करता है कि उस पर सवार रहे। अच्छा, काउबॉयज़ की बात करने से पेशतर हमारे एक दोस्त हैं सरफराज गुजर, वो कभी कभार आ जाते हैं पार्क में और उन्होंने हैट पहना होता है काउबॉयज वाला, कहते हैं कि आई एम ए पाकिस्तानी काउबॉय। और वो कहते भी ठीक है, काउबॉय का मतलब है ना गायों भैंसों वाला बंदा, तो इस लिहाज से हम खासे खुद कबील हैं। तो ये जो खेल होता है उसको रोडियो कहते हैं। बंद कमरा है और वहाँ पर एक बैल है, सिधाया हुआ नहीं है, वाइल्ड और वैशी है, और उसके ऊपर दो तीन लोग एक काउबॉय के बिठा देते हैं और भागे भी नहीं है ज़ाहिर। और उसके बाद उस बंद कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो दाखिल होता है अरीना में और वो पछाड़े मारता है, दुलतियाँ मारता है और कोशिश करता है कि हर सूरत में अपने इस सवार को गिरा दूँ, और अक्सर औकात वो गिरा देता है। खौतिनों ज़रा, ज़िंदगी भी तो एक ऐसी है ना कि नसीब जो है वो आपको ज़िंदगी के बैल पे, अड़ियल बैल पे, उसकी बागें भी नहीं आपके पास, आप अपनी मनमर्जी से उसको नहीं चला सकते, उसके ऊपर बिठा देता वो नसीब और उसके बाद बिलाखर वो बैल जो है आपको उतार के खाक में खाक कर देता है। वो जो कहा जाता है, गालिब ने इन्हें कहा था कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, शोहरत वफा कभी नहीं करती। मेरा जो महदूद तजर्बा है उसके मुताबिक शोहरत ऐसी महबूबा है जो हमेशा बेवफाई करती है और उसके बावजूद लोगों का ख्याल होता है कि ये आपसे वफा करेगी। क्वेटा में एक सेमिनार हो रहा, इंटरनेशनल सेमिनार है यूनिसेफ की जानिब से, बहुत से लोग इनवाइटेड हैं। कराची से सायरा काजमी आई हुई हैं, शायद राहत भी थे और भी स्टार्स आए हुए थे। तो सेमिनार का आगाज़ हुआ तो 11 बजे के करीब वो एक चाय की ब्रेक हुए तो हम सब बाहर आए बरामदे में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कोयटे के कॉलेज के लड़के लड़कियाँ बाकी लोग आए हुए थे सबसे मिलने के लिए, और वो ऑटोग्राफ लेना चाहते थे और किताबों को साइन करवाना चाहते थे। तो मैं ऑटोग्राफ साइन कर रहा था तो मेरी निगाह उस क्राउड से ज़रा परे गई तो वहाँ एक स्टोन के साथ एक साहब खड़े हुए थे। तो मैंने कहा पता नहीं कौन है, मैं फिर महव हो गया। लेकिन यकदम
मेरे दिमाग में आया कि भाई शनासा सी शक्ल लगती है। मैंने गौर से देखा तो वो फिल्म एक्टर हबीब थे, और वो बड़ी हसरत से उन लोगों की जानिब देख रहे थे जो वहाँ पे ऑटोग्राफ दे रहे थे, जिनकी लोग तस्वीरें ले रहे थे, और वो तन्हा खड़े थे, कोई भी उनके पास नहीं गया। और ये देखिए कि अपने अहद के बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत कामयाब एक्टर थे, बहुत सारी पंजाबी फिल्में उन्होंने की। देवदास में तो खैर वो क्लासिक उनका रोल था, हैदर अली, इसी तरह अनगिनत फिल्में हैं, जासूसी फिल्में भी उनमें शामिल हैं, और हर बच्चा बच्चा उनको जानता था। लेकिन उस लम्हे वो बंदा बिल्कुल तन्हा था, तो मुझे एक शर्मिंदगी सी महसूस हुई। तो मैंने एक खातून को कहा कि आप जानती हैं कि वो कौन है? तो उनका, जी नहीं हम नहीं जानते। तो मैंने बताया कि ये तो बहुत मारूफ हीरो हैं और बहुत इन्होंने फिल्मों में काम किया है और बहुत दुनिया इनको जानती थी, तो आप इनके ऑटोग्राफ ले लें। खातून ने बड़ी बेजारी से कहा कि अच्छा, अगर आप कहते हैं। शोहरत जो थी वो बांध पड़ चुकी थी। अब आइए हम चलते हैं गुलबर्ग में, जे ब्लॉक में, और वहाँ से एक कोठी से एक जनाजा उठ रहा है, और मैं भी वहाँ पे शामिल हूँ क्योंकि मैं जे ब्लॉक में ही रहता था। और मैंने कभी उस शख्स को देखा नहीं था, यानी जाती ज़िंदगी में, लेकिन इसके बावजूद उसकी रुखसती का दुख मुझे बहुत था। वो जनाजा उठता है और जब हम कंधा देते हैं तो मालूम होता है कि वो चारपाई टेढ़ी है, नज़दीकी मस्जिद से लाई गई थी। तो उसमें जो है शख्स, बॉडी जो है वो ज़रा सी लुढ़क जाती थी, यानी कंधा देते हुए एहतियात करनी पड़ती थी। उसके नज़दीक ही जहाँ से वो जनाजा उठा, जे ब्लॉक का कब्रिस्तान है, वहाँ पे उसे दफन किया गया। और दफन किसको किया गया? वहीद मुराद को। वहीद मुराद, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में अगर किसी को रियल सुपरस्टार कहा जा सकता है तो वो था। उसके गाने की अदायगी जो है वो राजेश खन्ना जैसे लोग उसको कॉपी करते रहे, और आज भी अगर आप उनके गाने देखें, कोको कुरीना देख लें या अपना अकेले ना जाना देख लें, मतलब है कि आज तक कोई बंदा उनकी कॉपी नहीं कर सका। और एक मुझे ऐसे किस्सा याद आ गया, मुझे हॉलैंड में बुलाया गया, वहाँ पे एक फंक्शन था। तो वो फंक्शन के बाद मुख्तलिफ लोग आए मुझे मिलने, एक साहब आए, आके मुझे सलाम किया तो यूं करके खड़े हो। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने कि मुझे पहचाना नहीं। अब मैंने नहीं पहचाना उनको, तो साथ एक सैफी साहब थे, उनका तार साहब ये हॉलैंड के वहीद मुराद है। हुआ ये कि वो साहब आज से 20-25-30 साल पहले हॉलैंड चले गए, उन दिनों शोहरा था वहीद मुराद, और हर नौजवान की ख्वाहिश थी कि वो उनकी तरह नज़र आए। तो वो जब वहाँ पे चले गए तो उसी तरह ही वो बाल बनाते थे, उसी अंदाज में बातें करते थे, और उसी स्टाइल में उठते और बैठते थे। ये उस शख्स की पॉपुलैरिटी का हाल था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है कि जवाल आना शुरू हो गया, और कहते हैं कि नदीम की आमद की वजह से हुआ। और ये भी कहते हैं कि मरी में कोई शूटिंग थी और उसमें नदीम थे हीरो और वहीद मुराद शायद साइड हीरो थे, तो किसी लॉन में बैठे हुए थे तो लड़कियों की एक बस आई भरी हुई, और वो चीखें मारती हूँ उनकी तरफ बढ़ी, एंड वहीद ने ये समझा कि मेरी तरफ आ रही हैं, और किसकी तरफ जा सकती हैं, लेकिन वो सब की सब नदीम की तरफ चले गए। इसका उन्हें कहते हैं, मैं तो सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, कि बहुत गहरा रंज हुआ। उसके बाद उनका एक हादसा भी हुआ, और उसके गुलफाम शक्ल थी, और उस गुलफाम की शक्ल जो थी थोड़ी सी बिगड़ गई या उनको कुछ चोटें आई, तो ही डिडंट वांट टू गो आउट, लोगों में नहीं जाना पसंद करते थे, क्योंकि जो शक्ल का मसला था या उम्र भी ज़्यादा हो गई, ऑलमोस्ट तन्हा थे। यानी जहाँ तक मुझे इल्म है कि उनके जनाजे में उनकी अहलिया भी शरीक नहीं हो सकी थी। चुनाचे अब उसी गुमनामी में वो जाहिर है कि कुछ कूनावर दवाइयाँ वगैरह भी खाते थे, वो रुख्सत हो गए, और मैंने उनका जनाजा आपको बताया किस तरह उठा, और चंद लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे।
अब भी मैं जाता हूँ कभी कभार गुलबर्ग के जे ब्लॉक के कब्रिस्तान में, क्योंकि मेरे वालदैन और एक भाई वहाँ दफन है, और उसके कोने में वहीद मुराद की कब्र है, और मैं देखता हूँ कि उस पर फूल ज़रूर होते हैं दो तीन, लोग उनको भूले नहीं। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, हमारे वादे पे एतबार कीजिए, हम वापस आएंगे। आपने हमारे वादे पे एतबार किया, हम वापस आ गए। पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह का ओकेजन था और सालगिरह के मौके पर खसूसी शोज किए जाते हैं, तो एक खसूसी शो तरतीब दिया गया, 5-6 घंटे का था वो, और उसमें जितने भी अहम टेलीविजन के और फिल्मों के अदाकार थे एज सेलिब्रिटीज़, उनको इनवाइट किया गया, कुछ अदीब भी आए। तो मेरे साथ, मेरा ख्याल समीना पीरज़ादा मेरा साथ दे रही थी, तो शो आगे बढ़ता गया, हम मुख्तलिफ प्रोमिनेंट लोगों को जो मुझे नज़र आते उनको बुला के स्टेज पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते, उसके बाद सालगिरह के हवाले से, टेलीविजन के पास्ट के हवाले से, कुछ ड्रामों के हवाले से गुफ्तगू करते। तो मेरा ख्याल है कि शो को 2-3 घंटे हो चुके थे, तो कंटिन्यूस था, चल रहा था। तो फर्रुख बशीर प्रोड्यूसर थे इसके, तो फर्रुख का मुझे ऊपर से पैगाम आया कि देखें आपके सामने एक खातून बैठी हुई हैं और उनको जल्दी स्टेज पे बुला रहे हैं, वो पिछले 3 घंटे से मुंतज़िर हैं। तो मैंने सामने देखा तो मुझे कोई शनासा शक्ल ऐसी नज़र ना आई जिसको मैं पहचान सकता, तो मैंने कहा फर्रुख कौन है? उसका ख्याल था कि मैं पहचान गया, तो वो कहने लगी कि मैडम नगमा है। अच्छा, मैडम नगमा, नगमा वहाँ पे बैठी हुई है, मेरा ख्याल ब्लैक साड़ी थी, अब एज भी उनके ऊपर असरअंदाज हो चुकी थी, और मैं उनको पहचान ना पाया, और मुझे शदीद शर्मिंदगी हुई, क्योंकि नगमा का भी एक बड़ी हीरोइन थी जिस तरह बाकी थी, आसिया थी, बाकी शीरें भी थी एक ज़माने में, फिर दोस्त तो थी, तो नगमा भी बहुत प्रोमिनेंट पंजाबी हीरोइंस में थी। और मुझे याद है कि एक मरतबा अनारकली में कोई शॉपिंग के सिलसिले में जाना हुआ, तो पूरी अनारकली में ना सरासीमगी सी फैल गई, लोग इधर उधर देख रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? कि जी मैडम नगमा जो हैं वो बुर्का पहन के आई हुई हैं, लोगों ने उनको पहचान लिया, पहचान का ये हाल था। और उनका गाना जो था सुन में बुलौरिया खवालिया, वो तो मतलब एक क्लासिक था, और उसकी बहुत सारी तौसीफ भी हुई, उसके ऊपर मज़ीद गाने भी बने। तो यही नगमा, उनको मैंने फिर ज़ाहिर है कि बुलाया, उनसे माजरत की कि मैंने उन्हें पहचाना नहीं। एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में, एक बहुत सारी चीज़ें आप नोट करते हैं, महसूस करते हैं, कि मैं एक, मेरे दोस्त थे खालिद बट, बहुत बड़े सर्जन थे न्यूयॉर्क में, तो जब मैं उनको कोई तकरीबन 50 वर्ष के बाद मिला तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि टीवी वगैरह पे, तो मुझे कहने लगे कि मैंने तो आपको पहचान लिया, आपने मुझे कैसे पहचाना? मैंने कहा खालिद आपकी वही मुस्कुराहट है शर्मीली जो बचपन में थी। चुनाचे इंसान चेंज हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट का एलिमेंट उसी तरह रहता है। इसी तरह जब नगमा मुस्कुराई हैं तो उनकी तमाम फिल्में मुझे याद आने लगी, उनके तमाम चेहरे, उनकी खूबसूरती, उनके रक्स के अंदाज़। और उसके बाद मैंने 10 मिनट उनके साथ गुफ्तगू की, और जब शो ख़त्म हुआ तो वो जा रही थी तो किसी शख्स ने उनके पास जाके ऑटोग्राफ के लिए नहीं कहा, और वो बिल्कुल खामोशी से रुखसत हो गई। इस दास्तान गो के पास शोहरत के बहुत सारे किस्से हैं, और इतना हमारे पास वक्त नहीं कि सबको बयान किया जाए, ना हम एल्विस प्रेस्ले की बात कर सकते हैं, ना माइकल जैक्सन की, ना और जो भी बहुत ही फेमस लोग हुए और बाद में उनकी शोहरत कम हुई, या वो शोहरत के कैदी हो गए, क्योंकि शोहरत का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान तन्हा रह जाता, क्योंकि वो जा नहीं सकता कहीं, दोस्तों से नहीं मिल सकता, महफिलों में नहीं जा सकता, और वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने आप को महदूद रखूँगा पाकिस्तान से और फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादातर।
तो आपको याद होगा कि अलाउद्दीन कितने बड़े एक्टर, उनको अवामी अदाकार कहा जाता था। और करतार सिंह में तो उनका किरदार ऐसा था कि जैसे कि पहले भी मैंने अर्ज़ किया एक प्रोग्राम में कि ईस्ट पंजाब के सिख जो थे वो ये मानने से इनकारी थे कि ये शख्स सिख नहीं है, इतनी कमाल की अदाकारी की। उसके बाद बदनाम उनकी फिल्म, कहाँ से आए हैं ये झुमके, अभी तक किसने दिए हैं ये झुमके, यानी अभी तक याद हैं, ये उनकी अदायगी थी जिसकी वजह से। और मेला उन्होंने इंडिया में की, फिर फन्ने खां की, और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ जो अवलीन आर्ट फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त आज तक मुझे याद है, ससुराल, उसमें अलाउद्दीन ने एक बाजे वाले का रोल अदा किया था, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। तो अलाउद्दीन टॉप पर थे और बहुत बड़ी कोठी उन्होंने बनाई फिरदौस मार्केट के पास, फिरदौस की भी वहीं थी। इन्होंने बहुत बड़ा एक बंगला बनाया और बहुत पैसा खर्च किया और वहाँ डेली महफिलें जमती थी और खुर्दनोश के सिलसिले होते थे और बड़े वो बैठ के जिस तरह बादशाह बैठता है, और जाहिर है कि एक्टर बैठता है तो वो अपनी तारीफ़ें चाहता है, तो लोग तारीफ़ भी करते थे। ऐसे लोग जमा हो जाते हैं जो खाने पीने के लिए, ये सिर्फ एक्टरों के गिर्द नहीं होते, पॉलिटिशियंस के गिर्द भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के गिर्द भी होते हैं। तो उस्ताद दामन के साथ उनकी बहुत दोस्ती थी, तो दामन ने, बल्कि दामन उनको अपना बेटा कहते थे, तो दामन ने एक दफ़ा कहा उनको कि लावे, उनको प्यार से लावा कहते, लावे ये सब कुछ रहना नहीं है, एहतियात करो, को कल की फिक्र करो। तो अलाउद्दीन ने कहा क्यों नहीं रहना, ये जब तक फिल्म इंडस्ट्री है राज मेरा रहेगा, जब इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी फिर मैं कैसे मतलब एहतियात करूं। चुनांचे उसी तरह बेदर्दी से खर्च करते रहे और बिलाआख़िर उनकी वो कोठी बिक गई, बाकी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई, फिल्मों में किरदार जो थे मिलने वो बंद हो गए। कुछ सदाबहार तो कोई नहीं होता कि भाई कभी ना कभी तो खिजा आती, और अगेन फिल्म इंडस्ट्री भी जो है ये भी बहुत बेवफा चीज़ है कि जो नया बंदा आया हिट हुआ तो बाकियों को भूल गए। तो वो उन पे वो दिन आए कि जब मुश्किल से गुजरात होती थी तो शबाब किरानवी ने उनको अपने दफ्तर में एक छोटी सी मुलाजमत पर रख लिया और आखिरी उनके अयाम बिल्कुल गुमनामी में गुजरे और पछतावे में गुजरे। और बाय द वे अलाउद्दीन भी उसी कब्रिस्तान में दफन है जहाँ वहीद मुराद, लेकिन उनकी कब्र पर मैंने आज तक कोई फूल नहीं देखा, लोग उनको याद ही नहीं करते। तो शोहरत की बेवफाई ज़रा आप मुलाहिज़ा करें। एक और किस्सा मुझे याद आता है और उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। कैपिटल सिनेमा लाहौर, अब तो नहीं है, जहाँ पे ये सारा टका टेन और ये वो फरोख्त होता है ना, वो इलाका, कैपिटल के सामने ओडियन था जहाँ पे अंग्रेज़ी फिल्में लगती थी। और कैपिटल में उन दिनों एक फिल्म लगी, उसका नाम था मलंगी। मलंगी अपने ज़माने की बहुत सुपरहिट फिल्म थी और उसमें अकमल हीरो थे और उसमें विलन का किरदार अदा किया था मज़र शाह। मज़र शाह जो थे बहुत ज़बरदस्त विलन, बड़ी पाटदार गरजदार आवाज़, कहा जाता है कि भाई थानेदार से कहीं तो उनमें रोबदाब भी उसी किस्म का था। तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब इसलिए हुए कि उन्होंने फिल्मों में जो बड़क है उसका आगाज़ किया, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। बड़क आप यूँ कह लीजिए कि पंजाब के जो पुराना पंजाब था, जब दुश्मन पे हमला करते थे तो ये नहीं है कि छुप के हमला करते थे, उसको खबरदार करते थे कि हम आ गए। तो वो बड़क उस मौके पर लगाई जाती थी कि दुश्मन को खबरदार करना है कि हम दलेर शेर आ गए। तो मज़र शाह साहब बड़क लगाते थे और ये उनका इम्तियाजी निशान बन गया। मैं कैपिटल सिनेमा में मौजूद था, मलंगी देख रहे थे हम, इंटरवल हुआ और ऊपर से एंट्री जो होती है उस ज़माने में 2 रुपये 12 आने वाली, वहाँ से मज़र शाह दाखिल हुआ और उसने वही लिबास पहना हुआ था जो मलंगी में था और उसी तरह पगड़ी सारा कुछ और 4-5 चेले चांटे साथ। और आके तो उन्होंने दरमियान में खड़े होके सब मुतवज्जो हो गए
कि जिसको स्क्रीन पे देख रहे थे ये बनफ्से नफीस मौजूद है, और वहाँ खड़े होके मजहर शाह ने दो तीन बड़कें लगाई और सारा हाल बड़कें लगाने लगा, और फिर उसने फातिहाना नज़रों से इधर उधर देखा एंड देन ही लेफ्ट। अब उसके बाद वही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो शोहरत कम होनी शुरू हो गई, नए विलन आ गए, और मजहर शाह की जिस तरह कहते हैं फिल्मों में मार्केट कम हो गई। चुनाचे वहाँ पे ग्वाल मंडी के करीब रहते थे, कहते थड़े पे बैठे रहते थे, और जो भी लोग जाते थे उनको अपनी माजी की दास्तानें सुनाते थे, और कई लोगों को याद था कि फलां फिल्म, लेकिन आलमोस्ट उनको फरामोश कर दिया गया। उस इंसिडेंट के बाद जो मैंने रिलेट किया है उसके तकरीबन कहते हैं कि 15-16 बरस बाद या 20 बरस बाद जब रिवाइवल हुआ कुछ फिल्मों का, तो मलंगी दोबारा लगी, और लगी फिर कैपिटल सिनेमा। अब मजहर शाह ने जब सुना कि मलंगी दोबारा लगी है, तो उसका वो पुराना जो थी शोहरत और वो जो हीरो वर्शिप थी और लोगों की मोहब्बत थी, उसके उनको सामने तस्वीरें नज़र आने लगीं कि इसको रिवाइव करूं मैं। वो रोमायन होता ना अपना, चुनांचे कहा जाता है कि वो अंदर गए और उसी तरह गए, इस बार उनके साथ कोई नहीं, क्योंकि वो तो पीछे ही रह जाते हैं ना सारे, वो तो शोहरत के व्यापारी होते हैं, ख़रीदते हैं और उसके बाद रुखसत हो जाते हैं। तो ये अंदर आए और इन्होंने लिबास भी वो नहीं पहना हुआ था, पेंट और ऊपर को बुशर्ट वगैरह पहनी हुई थी, बूढ़े भी हो चुके थे, शक्ल भी और तरह की हो चुकी थी। इंटरवल में दाखिल हुए और वहाँ खड़े होके उन्होंने बड़कें लगाई दो। लोगों ने मुड़ के देखा कि ये कौन शख्स है। गेट कीपर को किसी ने कहा कि ये कोई बंदा पागल है, अंदर आके लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। चुनांचे मजहर शाह को वहाँ से निकाल दिया गया, और ये उनका अखीर हुआ। शोहरत किसी का साथ नहीं देती। हो सकता है कारवां सराय में कोई और काफिला उतरा हो, मुसाफिरों का इंतज़ार कर लेते। कारवां सराय में मुसाफिर उतर चुके जिनका इंतज़ार था। इन दिनों एक लफ्ज़ लेजेंड बड़ा मिसयूज हो रहा है, और हर कसो नागस के बारे में कहा जाता है कि जी ये लेजेंड। मेरे नज़दीक, और मेरा भी तजर्बा 50-60 बरस का हो गया है मीडिया का, अगर कोई एक शख्स पाकिस्तान में लेजेंड बल्कि लिविंग लेजेंड कहलाने का हकदार है, तो मोहम्मद कवि खान है। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, अगरचे ये क्लेम करते हैं कि ये मुझसे छोटे, लेकिन हमने इनसे बहुत कुछ सीखा टेलीविज़न पे भी। और मैं इनको जिस तरह मैं कहता हूँ कि अशफाक अहमद साहब टेलीविज़न के सबसे बड़े प्लेराइट थे, इसी तरह उसी तयक्कुन के साथ मैं कहता हूँ कि मोहम्मद कवि खान टेलीविज़न के और फिल्मों के सबसे बड़े अदाकार थे, और मैं इन्हें मिस्टर टेलीविज़न कहता हूँ। और कई मरतबा ऐसे ही आपस में हंसी मजाक होता रहता है। फिल्में इतनी ज़्यादा की कि मैंने एक जगह लिखा कि पाकिस्तान में उतनी फिल्में बनी नहीं जितनी में कवि ने काम किया। खान साहब, यहाँ पे आपका जो है करियर, हम उसके बारे में तो गुफ्तगू नहीं कर सकते, बहुत तवील। तो ये जो शोहरत की बात हो रही, आपने भी बहुत, मुझे याद है कि भाई एक सुर्ख रंग की कार होती थी, स्पोर्ट्स कार, हमने देखी नहीं थी स्पोर्ट्स कार, उसमें एक नौजवान कल्ली बालों वाला शूं शूं करता माल रोड पे जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं, और ये कवि खान थे ना आप? हाँ थे। चुनाचे वो शोहरत आपने कमाई, और अब भी एक तसलसल है, यू आर द ओनली वन जिसके पास शोहरत एक तसलसल के साथ, अगरचे वो मद्दम हो चुकी है। अरूज से जवाल आता है, वहीद मुराद पे आया, अलाउद्दीन पे आया, नगमा पे आया। असल में मैंने सब के साथ काम किया, पापा अलाउद्दीन साहब के साथ भी किया, वहीद मुराद साहब की किया, नदीम साहब, जितने भी हबीब साहब, रागनी बेगम के साथ भी मैंने काम किया, चश्मे आहू जी कहते थे, ये बड़े हसीन और खूबसूरत लोग थे, बल्कि सैयद सलमान और ये लड़ी जो थी संतोष कुमार साहब, ये तो सब भी हसीन तरीन, हसीन और जमील लोग। तो बात ये है कि उरूज के बाद आता ही सवाल है, और तो कोई चीज ऐसी है नहीं कि आप कहें नहीं भाई उरूज के बाद ये आना चाहिए था तो फिर मजा आता, नहीं, उरूज के बाद जवाल आना ही आना है।
और उसको आपने तस्लीम करना है। अब वक्त ये है कि जब आप उरूज आ रहा होता है तो आपको होश नहीं होता, बल्कि जिंदगी में सबसे खौफनाक चीज जो सबसे हसीन भी है वो उरूज ही तो है। उसके बाद क्या होता है उसके बाद, जैसे आपने कहा क्षमा वो मध्यम होनी शुरू हो जाती, लेकिन मजा तब है ये वो मध्यम 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 होते 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 आप उसको भी इंजॉय कर रहे हो। नहीं वो तो आप ये हमने जो ज़हन में रखा और ये लोगों को रखना चाहिए और इन्हीं लोगों से सीखा भी, इनमें बहुत से लोग ऐसे भी तो है ना जिन्होंने अपने आप को संभाल कर रखा और आखिरी वक्त तक रखा। कितने लोगों के हिस्से में ये चीज़ आती है कि अगर वो उस वक्त सिकंदर आजम भी उसके सामने तो कहते तुम क्या हो जो मैं हूँ, तुमने तो दुनिया फतह करने का ख्वाब देखा था और तलवार का सहारा लिया था, मुझे देखो जब लाखों लोग मेरा ताकुब करते हैं और कहते हैं वाह 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 क्या बात है, तो उस वक्त जो मेरी कैफियत होती है उनका शुक्रिया अदा करने की भी, और उस रोज को सिर्फ मैं इंजॉय करता हूँ। और जब वो टूटता है, जब वो कायम नहीं रहता, जब आप पास से लोग गुजर जाते हैं आपको देखते भी नहीं है, तो वो हर चीज़ गायब होती, तो उस वक्त अपने आप को समेट नहीं पाते आप। मैंने कई दफ़ा मरा, कई दफ़ा जिया, कई दफ़ा लोगों ने ख़त्म कर दिया मुझे, फिर मैं निकल आया, फिर ख़त्म कर दिया, फिर निकल आया। जो उरूज और जवाल मैंने इंजॉय किए हैं वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है, लेकिन मेरा एक एक यकीन था, एक एतमाद था, एक सच था, एक हकीकत थी कि ये सब कुछ होना है और वो सब कुछ हुआ। तो जिसने तुम्हें क्रिएट किया है उसको कहो मुझे नहीं पता, मैं चला हूं, ये है बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, अगर आपका यकीन है। अच्छा खान साहब, क्या जिनको भी अरूज हासिल होता है उनमें इतनी काबिलियत होती है या ये अल्लाह की देन होती है, नसीब होता किसी के हिस्से आ जाए? इसमें देखिए अल्लाह ताला ने आपको सारे हवास तो दिए हुए ना, अब उसकी रहमतें हैं जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, शो नहीं करते। मुझे यकीन है कि आपके अंदर अंदर आपके इतना इतना कुछ है जो देन है आपको और आपका उस पर यकीन है। वो मनाया नहीं आती आर्जी तौर पे आप पे आई तो डिप्रेशन नहीं हुआ आप? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुई, तो मैं झूठ बोलूंगा ना, तो मैं गाड़ी लेके कहीं और निकल गया, गाड़ी नहीं थी, बस में बैठा कहीं चला गया, किसी और सच की तलाश में चला गया, किसी ढूंढने की तलाश में, किसी दोस्त को आजमा लिया, किसी दुश्मन से बात कर ली। तो इन लोगों ने नहीं किया जिनका मैंने तज़किरा किया? नहीं, इन लोगों में हिम्मत नहीं होगी। जब आपके पास हर चीज हो और एक उरूज ना हो तो आप बुज़दिल हो जाते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा है, बड़ी बीमारी है। आपके पास कुछ नहीं है और डिप्रेशन भी साथ में है तो आप तो बिल्कुल ही गए। आपके पास सब कुछ है और डिप्रेशन में आप मुब्तला हो गए तो वो सब कुछ पे डिप्रेशन हावी आ जाता। और अगर आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो जो कुछ है कनात पसंदी होती है ना, तो इलाज तंगी दामा भी होता है। तो आप जिस चीज़ जो है अपनाएं, तो हकीकत यह है कि सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है उरूज और जवाल, उसको आप अपने ऊपर किस तरह तारी करते हैं, किसको याद करते हैं, किससे सच बोझते हैं, किससे हासिल करते हैं, कौन है वो? इंतज़ार के अपने लुत्फ होते हैं, तो ये लुत्फ उठाइए। आपने लुत्फ उठाए इंतज़ार के, शुक्रिया। जब वहीद मुराद पे ये डिक्लाइन आया तो आपने उनमें कोई तब्दीली महसूस की या अलाउद्दीन में? नहीं, खामोशी खामोशी जो थी वो बहुत बड़ी उनकी जबान थी उस वक्त, जिसको कोई समझ नहीं सकता था, सेट पे लोग समझते वाले थे। जी सेट पे भी, वैसे भी वहीद मुराद को जब मैंने देखा मेरी एक फिल्म में आंखों के तारे में वो काम कर रहे थे, तो आप यकीन कीजिए मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि एक तो उन्होंने आके मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा क्या हुआ, आधे घंटे में लेट आ गया। मेरे लिए बड़ा अजीब था कि वहीद मुराद और आधा घंटा, अभी तो शूटिंग शुरू करने में भी आधा घंटा है। दूसरे उसने जब काम शुरू किया वो एक एक
एक बड़ा ही खूबसूरत एक हमारे था सोजा मेरी लाडली सोजा मेरे लाडले, बच्चों पर एक फिल्माया हुआ गाना था, उसमें उसके एक्सप्रेशन थे वही मुराद के। तो मैंने महसूस किया सारी दुनिया के गम और दुख जो हैं वो उसकी आंखों में आ गए। अव्वल तो उनकी आंख भी माशाल्लाह खूबसूरत, बिल्कुल। तो वो मुझे खुद बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा ये इनको क्या हो रहा है। वो वक्त तो आ चुका था लेकिन मैंने कहा ये कहीं टूट ना जाए। वो एक ऐसा वक्त होता है जिसमें उसको कोई सहारा चाहिए होता है, सबको कोई ऐसी चीज चाहिए होती है जो पकड़ ले उसके और कह के नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। मेरे साथ कई हादसात ऐसे हुए हैं कि एक शख्स ने मुझे गाली भी दे दी इसलिए शूटिंग वूटिंग के दौरान बाहर से, और मैं यूं हुआ और वो आगे बढ़ा के वो मुझे मारेगा, और मैंने उसे कहा मुझे माफ कर दो मेरी गलती है, तो उसने मुझे गले लगा लिया। ऐसा भी तो होता है। अच्छा, अलाउद्दीन के साथ भी यही हुआ? अलाउद्दीन साहब के साथ भी। अलाउद्दीन तो बहुत ही खूबसूरत आदमी थे, बहुत हसीन आदमी थे, बहुत प्यार करने वाले थे, बहुत प्यार करने वाले। लाला सुधीर भी उसी में आते, ये लोग बहुत प्यार करने वाले थे। आप अंदाजा लगे एक दफा कुछ हो गया मेरे बारे में वहाँ कुछ मशहूर हो गया, कोई ऐसा केस चल गया था कुछ, तो लाला सुधीर ने मूछ उतार दी थी। मैं उनके इतना करीब नहीं था, तो उन्होंने कहा लेकिन वो कवि वो लड़का वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्यों है दसों में लोग और वो गए तो मैं ही सच था। ये बहुत बड़े लोग हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के इतने बड़े लोग थे, इतने बड़े सुतून थे, जिनको उस मकाम तक पहुंचाने में हमारा ही कसूर है। भाई आप नॉर्मल भी अगर कोई शख्स चला जाए दुनिया से तो हम ही लेकर जाते ना उसको, जाओ भाई अब मत आना। लेकिन वो जो एक सलीका होता है, एक तरीका होता है एक जिंदगी गुजारने का, उसको एक्टर जरा सा भूल जाता है, किसी मकाम पे डगमगा जाता है। इंसान वो चाहे अदीब हो एक्टर हो किसी भी क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक रखता हो और उसको शोहरत मिले, मेरे नज़दीक अगर वो ये समझ ले कि ये मैं डिज़र्व करता हूँ, ये तो मुझे मिलनी ही थी, तो उसी वक्त उसका जवाल शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं बात लफा कहता हूँ, आज भी हम गुस्से में कह रहा था कि देखो जी मैं पाकिस्तान का सबसे पहला बड़ा तो छोड़ो मतलब बड़ा तो कभी नहीं कहा, लेकिन सबसे पहला एक्टर हूँ। हाँ, तो आपकी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन दुनिया में पाकिस्तान टेलीविजन, उसका मैं एक कॉर्नर में किताब में कहीं लिखा होगा जी फर्स्ट एक्टर। हाँ, नहीं नहीं, मैंने वो नरेट किया था, ड्रामा जो था। तो वो क्या किताब के लिए था, उसमें लिखने के लिए, ताकि अगली जनरेशन आके पढ़ेंगी कौन था ये, कब हुआ ये, अच्छा 80 साल गुजर गए सर, अच्छा कौन था, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। मेरा कोई प्रोफेशन नहीं सिवाय एक्टिंग के। मैंने कभी क्लेम नहीं किया मैं बड़ा एक्टर हूँ, कभी क्लेम नहीं किया मैं ये हूँ, कभी क्लेम नहीं दाढ़ी लगा दें अच्छा जी ये बन जाए अच्छा जी वर्दी पहन ली अच्छा जी यस सर करके बाद लोग इसको बुरा मानते हैं, बाद लोग मेरे सीनियर्स करते हैं तुमने हमारी ट्रेड को ख़राब कर दिया, हर रोल करने बैठ जाते हो। भाई मेरा काम ये है, मुझे पैसे इसी के मिलते हैं तो मैं करता हूँ। अच्छा खान साहब, आप ये बताएं कि शोहरत को आपने हैंडल किस तरह किया, आप उसको सह गए, आप उसके दाम में नहीं आए? ये मैं उसके दाम में, मेरे ख्याल मैं बच बच के चलता रहा। हाँ, थोड़ी गेम जरा मैंने मुख्तलिफ की। हाँ, और सबसे पहले मैंने जहन में ये रखा कि मैं सेकंड बेंचर जो कई हॉल में लोग बैठे होते हैं। हाँ, सबको शौक होता है आगे बैठने का, मैं हमेशा सेकंड रो में बैठता हूँ। वो इसलिए कि अगली रो में जाना जरा आसान है, अगली रो में से जाकर पिछली रो में आना वो बड़ा तकलीफ दे काम है। तो नहीं, अगली रो में जाके तो उसके बाद रुखसती होती, यही मैं आप जिस तरह अब आपने बात की ना उम्र की वजह से, अब लोग कहिए आप तो अगली सफ के अब अदीब हैं सबसे पता नहीं, तो मुझे फैज साहब याद आ, फैज साहब ने कहा था, फैज साहब को किसी ने कहा कि जी आप तो शायरों की अगली सफ में शामिल, तो उन्होंने कहा भाई इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। तो उन्होंने कहा कैसे, खड़े हम पिछली सफ में हुए,
अगली सफ़ें खाली होती गई, हम आगे होते गए और बिलाखिर आखिरी सफ़ पे आ गए। तो आखिरी सफ़ के बाद रुख्सती होती है, बेहतर है आदमी पिछली सफ़ में ही रहे और इंशाल्लाह। लेकिन रुख्सती के वक्त मुझे फिर वो हमेशा वो याद आ जाता है कि और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे, मगर एक शेर में अंदाज़े रसा रखते थे। उसका ये हाल के कोई ना अदा संज मिला, आप लिखते थे हम और आप उठा रखते। वाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।